वेलकम टू सीधी शिक्षा, मैं डी सर। चलिए आज हम लोग क्लास 12 का फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नई दिन नए सवेरे के साथ मिलते हैं हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन सर। इतने में आप लोगों का जो बेसिकली संबंध फलन था ये सब आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अब हम लोग नया चैप्टर के साथ मिलेंगे, अध्याय 4 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के साथ मिलते हैं। तो क्लास 12 में चलिए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसका फर्स्ट एक्सरसाइज है, निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित के मुख्य मान को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं, इस तरीके से है आप लोगों का टेबल। ये टेबल होता है आप लोगों का, देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, यहां पर है आप लोगों का टेबल। टेबल के बेस पे मैं बता देता हूं आप लोगों को। चलिए ये रहा आप लोगों का, तो सभी को त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करने के लिए आप लोगों को ये तो ज्ञात होना ही चाहिए, ठीक है। साइन के लिए ज्ञात होना चाहिए, कॉस के लिए ज्ञात होना चाहिए। ये आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री। चलिए ठीक है, एक ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम इसके लिए देखते हैं, पहला साइन थीटा के लिए देखते हैं। साइन थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू, ये आपका 0 है, 30 है, 45 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90 है। तो साइन थीटा के लिए 0 का वैल्यू 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 होता है, ये 1 होता है। एक को आपको याद रखना है, बस एक को आप याद रख लीजिए। साइन थीटा का 0 डिग्री का 0, 30 का 1/2, 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और 90 का होता है आपका 1। अब इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। अब टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन बटे कॉस थीटा। भाग देते हो 0/1 तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2 कटेगा तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसका 2 कटेगा तो 1 हो जाएगा, 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा, 1/0 ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। टेन थीटा हो गया। टेन का उल्टा होता है आपका कॉट थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये आपका इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका √3 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। इसके बाद होता है कॉसेक थीटा होता है। इसके बाद क्या होता है आपका सेक थीटा कर लो या कॉसेक कर लो। तो सेक का करोगे तो 1/cos होता है, तो 1/1 मतलब ये 1 हो जाएगा। सेक थीटा के लिए करेंगे तो 1/2 तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 1/2 तो ये ऊपर हो जाएगा आपका 1/1 तो √2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, और 1/0 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव। सेक का उल्टा होता है आपका कॉसेक थीटा। जैसे 1/0 कर लो, 1/0 इन्फिनिटिव आ जाएगा, 1/2 तो ये 2 आ जाएगा, ये आपका √2 आएगा, ये 2/√3 आएगा, ये आपका 1 आ जाएगा। इतने को आपको याद रखना है। अगर इतना याद हो गया मतलब यहाँ पर आप लोग मुख्य मान निकाल सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको साइन थीटा का वैल्यू को, एक चीज़ को आपको याद रखना है, साइन को याद रखना है आप लोगों को। साइन याद हो गया मतलब आपको सब कुछ याद है। साइन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का 0 है, 30 डिग्री का 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2, 90 का आपका 1 है। साइन अपोजिट होता है कॉस, और साइन बटे कॉस को भाग देते हैं तो 10, 10 का अपोजिट होता है कॉट, और सेक थीटा 1/cos थीटा बराबर सेक थीटा होता है। सेक को उल्टा करो तो कॉस को उल्टा करो तो सेक आता है, सेक का अपोजिट होता है आपका कोसेक। तो चलिए इसका मुख्य मान को याद करते हैं, ये हो जाएगा सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, भला दिया है हमारे पास साइन इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स हो जाएगा
साइन इन्वर्स हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा साइन 1/2। कितने का वैल्यू देखिए, 1/2 कितने, 30 का वैल्यू, इसको 180 से भाग दे दो, 180 से 30 को भाग दे दो, 0 0 कटेगा, 3 6 18 6 है, तो इसको बोलते हैं हम लोग पाई बाय 6। क्या बोलते हैं? पाई बाय 6। साइन साइन से कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, ये रहेगा आपका आंसर। क्लियर? इसको पाई के रूप में कन्वर्ट करना है, पाई का वैल्यू होता है आपका 180, तो 180 से इस एंगल को आपको डिवाइड करना है, जितना से डिवाइड करोगे आप उतना एंगल आपका आता है। क्लियर? तो पहला क्वेश्चन के बेस पे आप लोगों का साइन इनवर्स 1/2 दिया था, तो यहाँ पर आपका एंगल का मान याद होना चाहिए, साइन थीटा का मान याद होना चाहिए, कॉस का मान याद होना चाहिए, टेन का याद होना चाहिए, कॉट का याद होना चाहिए, सेक का याद होना चाहिए और कोसेक का याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपका निम्नलिखित मुख्य मानों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, साइन इनवर्स इक्वल टू 1/2। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अगर हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2 है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास कॉस इनवर्स दिया है, हमारे पास देखिए दिया है हमारे पास कॉस इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस 1/2 के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कॉस 1/2 के लिए, देखिए 1/2 किस में है, 60 में है, तो 60 को डिवाइड कर दो तो 6 18 पाई बाई 3 आ जाएगा। कितना जाएगा? पाई बाई 3, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस पाई बाय 3 आ जाएगा। ये आपका कटेगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3, ये रहेगा आपका आंसर। चलिए अब थर्ड नंबर को देखते हैं। थर्ड नंबर में कितना दिया है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है टेन इनवर्स, टेन इनवर्स है आपका 1/√3, तो दिया है टेन इनवर्स 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स हो जाएगा और 1/√3 के लिए देखिए, 10 के 1/√3 कितने में है, 30 में है, मतलब कितना हो जाएगा पाई बाय 6। तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 10 पाई बाय कितना हो जाएगा आपका 6, 10 10 से कटेगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 6, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर? तो ये था आप लोगों का थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था आपका कॉस इनवर्स 1/2, जहाँ पर हमारे पास दिया है कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 5/3, कॉस कॉस से कटेगा तो पाई बाय 3 आ जाएगा, टेन इनवर्स 1/√3 हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 हो जाएगा। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे पास दिया है कॉट इनवर्स 1/√3, ये दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा 1/√3 के लिए। आप टेबल इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका टेबल में मैं बताया था, टेबल में क्या बताया, कॉट इनवर्स 1/√3 के लिए कितना है आपका 60 है, 60 है तो कितना हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई आपका? पाई बाय 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट पाई बाय 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉट कॉट से कटेगा तो आपका पाई बाय 3, ये रहेगा आपका आंसर। दो चार बार इसको बनाओगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आप लोगों का सॉल्व भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है सेक इनवर्स 2 है, हमारे पास दिया गया है सेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो इसके लिए भी आप लोग करोगे तो सेक इनवर्स 2 के लिए आप लोग यहाँ पर देखोगे, किसके लिए देखोगे? सेक इनवर्स 2 के लिए देखोगे तो सेक इनवर्स 2 के लिए कितना है? 60 है, मतलब ये भी पाई बाय 3 है आप लोगों का। कितना है यहाँ पर? पाई बाय 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? दिया है सेक इनवर्स 2 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक इनवर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा सेक पाई बाय 3 हो जाएगा। सेक कटेगा तो यहाँ पर आंसर भी आ जाएगा पाई बाय 3 आ जाएगी। इसका ये मुख्य मान है 5th नंबर। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 6th नंबर को। 6th नंबर कॉसेक इनवर्स 2/√3 हमारे पास दिया गया है, 6th नंबर दिया गया हमारे पास
दिया है यहाँ पर कोसेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3 के लिए आप लोग देखना चाहोगे 2 बाय अंडर रूट 3 के लिए, तो 2 बाय अंडर रूट 3 के लिए कोसेक इनवर्स 2 बाय अंडर रूट 3 के लिए कितना है 60 है, पाई बाय 3 आएगा आपका, कितना आ जाएगा पाई बाय 3। तो यहाँ पर कितना लिखोगे कोसेक पाई बाय 3, सभी ज़्यादा पाई बाय 3 में आ रही है, कटेगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा पाई बाय 3। टेन इनवर्स के लिए देखते हैं, टेन इनवर्स के लिए -1 के लिए, टेन इनवर्स के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर टेन इनवर्स के लिए देखो, टेन इनवर्स के लिए कितना आता है 145 डिग्री आता है, 45 डिग्री। अब वो 45 डिग्री आपका आता है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो आपका दिया है ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 हो जाएगा, 10 इनवर्स हो जाएगा 10, 45 है मतलब पाई बाय कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा पाई बाय 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर, ये आपका पाई बाई 4 हो जाएगा, तो पाई बाई 4 आ जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। तो मुख्य मान के रूप में आप लोग इस तरीके से इसका लिखोगे, ठीक है। तो इसी के बेस पे आपका जो फर्स्ट था हमारे पास जो है, इस चीज़ को आप लोग याद रखोगे। ये जो टेबल मैं यहाँ पर बताया हूँ, ये टेबल अगर याद है तो आप लोगों को मुख्य मान निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि साइन थीटा के लिए है, साइन थीटा 0 डिग्री के लिए आपका 0 है, 30 डिग्री के लिए 1 बाय 2 है, 45 के लिए 1 बाय अंडर रूट 2 है, 60 डिग्री के लिए 1 अंडर रूट 3 बाय 2 है, 90 के लिए 1 है, कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, 30 का अंडर रूट 3 बाय 2, 45 का 1 बाय अंडर रूट 2, 60 का 1 बाय 2, 90 का 0 है, 10 थीटा का 0 का 0 है, 30 का 1 बाय अंडर रूट 3 है, 45 का 1 है, 60 का अंडर रूट 3 है, 90 का इन्फिनिटी है, कॉस थीटा का 0 डिग्री का इन्फिनिटी है, 30 का अंडर रूट 3 है, 45 का 1 है, 60 डिग्री का 1 बाय अंडर रूट 3 है, 90 डिग्री का 0 है, sec थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू 1 है, 30 डिग्री का वैल्यू 2 अंडर रूट 3 है, 45 डिग्री का अंडर रूट 2 है, 60 डिग्री का 2 है, 90 डिग्री का इन्फिनिटी है, cosec थीटा का 0 डिग्री का इन्फिनिटी है, 30 डिग्री का 2 है, 45 डिग्री का अंडर रूट 2 है, 60 डिग्री का 2 अंडर रूट 3 है और 90 डिग्री का 1 है। तो इसको पाई के लिए निकालने के लिए आपको 180 में उतने को भाग देना है। जैसे 180 में 45 को भाग दोगे तो ये 4 आएगा, तो इसको बोलेंगे पाई बाई 4। क्लियर, तो इस तरीके से इस चीज़ को आपको याद रखना है मुख्य मान के लिए। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति के अंतर्गत आप लोगों को फलन के साथ साथ उसके जो भी डिग्री का वैल्यू है, उस डिग्री के वैल्यू को आपको याद रखना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन को देख लिए, इसके पश्चात फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देख लिए, इसके बाद 6, 7 देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे तो इसका मूल्यांकन ज्ञात करना है हमको। क्या ज्ञात करना है, मूल्यांकन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमको इसको मूल्यांकन करना है, इसको सॉल्व करके देखना है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है ना हमारे पास, दिया है यहाँ पर टेन इनवर्स दिया है, 2 cos ब्रैकेट में दिया है 2 sin inverse 1/2। नेक्स्ट स्टेप में यह हो जाएगा आपका टेन इनवर्स हो जाएगा 2 cos, ये 2 into sin inverse 1/2 का वैल्यू होता है आपका पाई बाई 6। ये कितना हो जाएगा टेन इनवर्स, यह हो जाएगा 2 cos, 2 1 जा 2 3 जा, cos पाई बाई 3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं टेन इनवर्स, यहाँ पर देखते हैं 2 into cos पाई बाई 3 का वैल्यू, मतलब cos 60 का वैल्यू 0 1/2 1/√2 और √3/2 1 होता है 0 30 60 90 0 30 45 60 90 होता है। तो पाई बाई 3 है,
मतलब कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बोले 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2 से 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। 10 इनवर्स तो 1 का वैल्यू कितना होता है 45 होता है, तो 10 π/4 होता है आपका, 10 से कटेगा आपका आंसर आ जाएगा π/4, ये आंसर है। चूँकि 1 = होता है 10 π/4, क्लियर। तो यहाँ पर मूल्यांकन ज्ञात कीजिए, हमारे पास दिया गया 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो हमारे पास 10 इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स 2 cos हो जाएगा 2 sin इनवर्स 1/2 का वैल्यू होता है π/6, मतलब 30 डिग्री होता है। 2 1 2 2 3 जो कट गए 2 cos π/3, cos π/3 वैल्यू 1/2 होता है, 2 2 से कट गए 10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है आपका π/4, 10 10 से कट गए π/4 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका, ये सेकेंड का आपका फर्स्ट नंबर है, सेकेंड का सेकेंड नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अगला क्वेश्चन इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, दिया है, दिया है हमारे पास sin inverse 1/2 - 2 sin inverse 1/√2, ये दिया गया है। तो यहाँ पर होता है sin inverse 1/2, ठीक है। तो 1/2 का वैल्यू देखते हैं हम लोग, 1/2 का वैल्यू कितना होता है आपका 30 होता है, मतलब π/6 होता है, तो ये हो जाएगा आपका sin π/6। माइनस हो जाएगा 2 sin inverse 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 45 होता है, 1/√2 मतलब 0 1/√2 1/√2 √3/2 1 0 30 45 60 90, मतलब π/4 हो जाएगा sin π/4, ये भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा, ये कटेगा आपका, ये हो जाएगा साइन कटेगा, तो कितना हो जाएगा 2 * हो जाएगा π/4, तो ये हो जाएगा π/6 हो जाएगा माइनस π/2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 2π - 6π/6 2 = 12 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 4π/3 हो जाएगा, मत 12 हो जाएगा, तो माइनस पाई बाय कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है, sin inverse 1/2 - 2 sin inverse 1/√2 दिया गया है, और sin इनवर्स यहाँ पर कितना दिया गया है 1/2 का वैल्यू होता है sin π/6 - 2 sin inverse 1/√2 का होता है sin π/4, π/6 हो जाएगा -2 √π/4 हो जाएगा, और 2 1 2 2 जो हो जाएगा π/6 - π/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2π - 6π/12, तो -4π/12 = -π/3, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं भाई, कॉस इनवर्स के लिए थर्ड नंबर का सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। चलिए ये यहाँ पर हमारे पास दिया है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर दिया गया है, देखिए cos inverse √3/2 और cos inverse दिया गया है -1/2, क्या दिया गया है cos inverse √3/2 और cos inverse दिया गया है -1/2, तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो cos inverse √3/2 प्लस दिया गया है cos inverse -1/2, ये हो जाएगा cos inverse √3/2 का होता है cos π/6 होता है, प्लस cos inverse -√3/2 का होता है cos π/3 हो जाएगी π/3 हो जाता है, तो ये हो जाएगा cos कटेगा तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा π/6, और प्लस हो जाएगा ये भी कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा -π/3, तो यहाँ पर हो जाएगा π/6 प्लस ये हो जाएगा आपका π - π/3, तो ये आपका हो जाएगा π/6 प्लस हो जाएगा 3π/2, तो मतलब 2π/3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा LCM,
तो पाई प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 2 2 जा 4 पाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6। ये आपका आंसर रहेगा। माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा तो पाई माइनस पाई बाई थ्री हो जाएगा, ये आपका 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस है तो माइनस में आपका इस तरीके से आएगा। तो कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो कॉस माइनस कॉस इनवर्स अंडर रूट 3 के वैल्यू होता है कॉस पाई बाई 6, और माइनस 1/2 के लिए होता है कॉस पाई बाई 3, जो कि नेगेटिव मार्क है इसलिए पाई घट गया। तो कॉस थीटा में पाई माइनस पाई बाई 3 नेगेटिव आएगा, तो पाई से आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर। चलिए इस एक्सरसाइज का सेकंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए चलिए हमारे पास दिया है टेन इनवर्स अंडर रूट 3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस अंडर रूट 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 10 पाई बाय 3, और इसका हो जाएगा कॉट इनवर्स हो जाएगा इसका माइनस हो जाएगा कॉट पाई बाय 6, तो इतने में हो जाएगा आपका ये कटेगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपका पाई बाय 3 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये आपका रहेगा तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई बाय 6 हो जाएगा, तब ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 3 माइनस 5 पाई बाय 6, तब ये हो जाएगा 6 से निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 2 जा 2 पाई हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 5 पाई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 3 पाई बाय 6 इक्वल टू माइनस 5 बाय 2। ये आपका आंसर रहेगा। तो ये था आप लोगों का 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो आज का क्लास हम लोग यही और करते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।